नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा फॉर्म की, क्योंकि ये फॉर्म आ चुका है, आप इसे भर सकते हैं। तो फॉर्म जो है आपका भाम भाम भरने की अंतिम तिथि जो है वो 10 अगस्त है 2023। उम्र क्या होनी चाहिए, किस क्लास में आपका पर्चा पड़ता हुआ, इस जो हर साल की तरह इस साल भी दो चरणों में परीक्षाएँ होंगी। पहली परीक्षा जो होनी होती है जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन के टर्म्स में होती है वो 4 नवम्बर को एक होगी, और दूसरी जो होती है वो 20 जनवरी को होगी। तो ये आइए डिटेल्स में चीज़ों को समझते हैं। देखिए, ये प्रॉस्पेक्टस यहाँ पर रिलीज़ किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्ड में चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसमें भी लास्ट डेट आपके सामने है, और यहाँ कहा गया कि एडमिशन टू क्लास 5th-6th इन द JNVS थ्रू सिलेक्शन टेस्ट के तहत यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दी गई हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक साथ आप देख सकते हैं इस पेज में। तो इस पेज में जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास जो है 6 में प्रवेश की है तो सूचना दी गई है, और इसमें 2 टर्म्स में परीक्षाएं होती हैं, शीतकालीन के लिए अलग होती हैं और ग्रीष्मकालीन के लिए अलग होती हैं। ये राज्यवार होती हैं, किन किन राज्यों में कब होगी उसकी डिटेल हम आपको अभी आगे वीडियो में बताएँगे कि किस राज्य के बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं तो उन्हें 4 तारीख को परीक्षा देनी होगी, और किस राज्य के भरते हैं तो उन्हें जो है 20 जनवरी को परीक्षा देनी होगी, 4 नवंबर को और किसे जो है 20 जनवरी को। अंतिम तिथि आपकी यहाँ पर है, कुछ विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। प्रॉस्पेक्टस भी हमने आपको दिखाया है जनपद में, और निःशुल्क आवास और भोजन एक साथ होता है, सब चीज़ें होती हैं, खेलकूद प्रोत्साहन, और यहाँ पर पात्रता के बारे में बताएगी। तो उम्र के बारे में जो कन्फ्यूजन आप सभी को रहता है उम्र के बारे में, तो वो आप देख लीजिए यहाँ पर, ये दोनों तारीख दी गई हैं 1/5/2012 और 31/7/2014। इन दोनों तारीखों को मिलाते हुए, डेट्स को मिलाते हुए, अगर आपका बच्चा इसी के डेट ऑफ बर्थ का है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 75% रहती हैं और 25% शहरों के लिए होती हैं। तो यहाँ आरक्षण जो नियमानुसार लगता है वो लगता है, 1/3 है, 33% सीट जो हैं लगभग छात्राओं के लिए आरक्षित होती हैं। यहाँ पर आप जैसे JNVST गूगल फॉर्म पर लिखते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेल्ड में फॉर्म दिया गया है। यहाँ आप जैसे टिक करेंगे तो आपको एक नए इंटरफेस पर ले जाएगा और फॉर्म भरने के लिए बताएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ही ऑप्शन दिया गया है, इसी जगह पर आपको टिक करना है। देखिए, ये ऑप्शन दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो आइए हम आपको पूरी डिटेल में समझाते हैं इस चीज़ों को। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखता है स्क्रीन पर, हो सकता है अब आपको छोटा दिखने लगा हो, लेकिन ये बेहतर इंटरफेस इसी तरीके से दिखेगा। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ कुछ आपको सबसे पहले डिटेल में देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नो करना है, फिर उसके बाद जिन कभी एग्ज़ाम आपका पहले कर दे चुका है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। प्रॉस्पेक्टस आपने पढ़ लिया है तो यस कर दीजिए, उसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है तो यस कर दीजिए, और जो हेडमास्टर से एक सर्टिफिकेट मिलता है उसे आपने साइन करा लिया है क्योंकि वो अपलोड किया जाएगा, तो उसे यस कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पास आउट हो गए तो यहाँ यस कर दीजिए, आधार नंबर अगर आप रखते हैं तो यस करिए, तो यहाँ आधार नंबर भरना पड़ेगा। अगर आधार नंबर आप नहीं रखते, नहीं बना है, तो आप नो कर दीजिए। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट का जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो यानी आपको निवास प्रमाण पत्र उस स्थिति में अपलोड करना होगा अगर आपका जो बच्चा जो है फॉर्म यानी आधार नंबर उसके पास अगर नहीं है तो उस स्थिति में आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आधार नंबर है तो आपको यहाँ पर एस कर देना है और यहाँ आधार नंबर भर देना है, भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप जो है वहाँ पर आपको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखता है। देखिए, यहाँ पर पूरी डिटेल्ड में आपको दिया गया होगा, फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है, ये स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं, एक एक चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल इन्फॉर्मेशन विद द सबमिटेड शुड बी करेक्ट, तो यहाँ पर आपको लेना है उस राज्य का चयन करना है। देखिए यहाँ पर, तो किस राज्य से, जैसे हमने भर मान लिया उत्तर प्रदेश से हैं यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जिस ज़िले में छात्र जो है कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसे सेलेक्ट कर लेना है, तो ये जिस ज़िले में पढ़ रहा है तो हमने यहाँ पर ज़िला जो है चुन लिया। देखिए यहाँ पर हमने अपना ज़िला जो हमें चुनना है वो हमने जो है चुन लिया है।
तो जिला चुनने के बाद यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आ जाएंगे, अवश्य जिले का चयन हो गया एंड ब्लॉक चुन लेना है। तो यहाँ पर ब्लॉक आपको चुनना है, तो जो भी हमने ब्लॉक यहाँ था वो ब्लॉक हमने चुन लिया। स्कूल जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल को यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ आपको नाम भरना है, नाम भरने के बाद मोबाइल नंबर भरिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए, ये सारी चीज़ें आपको भरते हुए ईमेल आईडी भरते हुए आगे चलना है। तो देखिए एक एक चीज़ हम भरते हैं और आगे बढ़ते हैं, आप एक एक चीज़ भरते हुए चलना है। लिंक क्या है यहाँ पर जैसे हमने चुन लिया, और फिर कैटेगरी क्या आती है तो कैटेगरी चुन ली। फिर यहाँ पर पता आपको देना है, तो जो भी आप जो है आपका जो भी पता है वो आप पता दे दीजिए। पता देते देने के बाद देखिए यहाँ पर दे दिया चयन परीक्षा प्रश्न पत्र केवल इसी भाषा में उपलब्ध होगा। किस भाषा में आपको परीक्षा देनी है वो माध्यम आपको यहाँ पर चुन लेना है। तो इंग्लिश में देना है इंग्लिश, या हिंदी में देना है तो हिंदी, या तीन भाषाएं यहाँ पर दी गई हैं तो जिस भाषा में आपको चुनना है। और जहाँ पर स्टार नहीं बना है उसे भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर धर्म कौन सा है आप देख लेते हैं, भर दीजिए यहाँ पर। आधार नंबर अगर आपके पास था तो भरिए, नहीं तो यहाँ पर वार्षिक आय आप भर सकते हैं, जो भी आपकी वार्षिक आय रही हो बच्चे पेरेंट्स की वो आयु वार्षिक आय आपको भरनी है। यहाँ पर आपको देखिए कुछ चीज़ें जैसे आपने वहाँ पर भरी तो कुछ चीज़ें यहाँ पर भर गई। गाँव का नाम भरना है, स्कूल का नाम भरना है, और कहाँ से डिटेल है यहाँ लोकेशन चुननी है, तो ग्रामीण से है तो रूरल रहेगा। तो यहाँ पर तीनों कक्षाओं का देना होता है आपको विवरण, तो वो तीनों कक्षाओं का आप विवरण यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का सभी का हम विवरण लगातार भर रहे हैं। तो यहाँ किस जो डेट ये, क्योंकि ये चीज़ें जो आपकी होंगी वो सारी डिटेल्स जो है आपको स्कूल से मिल जाएंगी, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये जो है आपको डिटेल जो होती है वो वहाँ से मिल जाती है। यहाँ पर एक शपथ पत्र देना है, सिग्नेचर करना है, और यहाँ पर जो है कैंडिडेट को फ़ोटो एक अपलोड कर देनी है इस जगह पर। और यहाँ पर जो है हस्ताक्षर उम्मीदवार के जो हैं, हस्ताक्षर बच्चे के हैं, वो अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ें अपलोड करते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, यहाँ एक एक करके डॉक्यूमेंट सारे अपलोडेड हैं। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं, इस जगह पर आपको देखना होगा। तो ये सेक्शन यहाँ पर दिया गया है, इस सेक्शन में आपको एक हेडमास्टर से जो है प्रिंटआउट साइन कराना होता है, वो प्रिंटआउट हम आपको दिखा देते हैं। ये फॉर्मेट है, ये आपको फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, और ये प्रॉस्पेक्टस में भी दिया है। इसे आपको पूरा भरकर उस जगह पर अपलोड करना है। यहाँ पर हेडमास्टर के साइन और सारी चीज़ें, पेरेंट्स के साइन, सिग्नेचर कैंडिडेट के, और यहाँ पर हेडमास्टर की सील और मोहर लगी होती है, उसे आपको यहाँ पर करा लेना होगा। तो ये चीज़ें आपको कराकर यही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वहाँ पर। तो उम्मीद है आप ये चीज़ को समझ गए होंगे, मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ हमने इसका प्रीव्यू देख लिया है, यहाँ पर जैसे ही हमने सबमिट किया तो ये डिटेल्ड में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने लगा कि इस तरीके से एक प्रीव्यू मिलेगा। उस प्रीव्यू में जब आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, देखिए हमने सारी चीज़ें यहाँ भरने के बाद सब चीज़ें अपलोड कर दी हैं, और फिर यहाँ पर फाइनल सबमिट करने को दिख रहा है। बस यहाँ से आपको फाइनल सबमिट कर देना है, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका होगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।